हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं क्वीन की कहानी। जैसे कि यश माटी भैया ने कहा था अपनी वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में, कि क्यों क्वीन जैस्मिन की कहानी बतानी है स्टोरी बनाकर, तो मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार बड़ी मेहनत से बन रही है वीडियो, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, एक क्वीन जैस्मिन नाम की रानी थी जो राज करती थी एक बड़े से राज्य पर। और वो बहुत पोलाइट थी, मतलब बहुत अच्छे से बात करती थी सबसे, और कुछ भी ख़राब चीज़ें नहीं थी उसमें, सब उसे बहुत मानते थे। और उसके थोड़ी सी दूर में ही रहता था एक विलेज में, जिसका नाम था किंग ओडिन। तो वो बहुत शैतान आदमी था, वो लोगों को मारता था, बहुत परेशान करता था। तो किंग ओडिन का एक पेड एसेशन था जिसका नाम था विजार्ड, और वो विजार्ड से मिशन देता था उसे, मिशन के बदले पैसे वैसे दे देता था, और वो गंदे गंदे काम करवाता था उससे, जैसे लोगों को मारना, लोगों के पास सामान चुराना। तो वो उससे जलता था, किंग ओडिन क्वीन जैस्मिन से जलता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और उसको ही सब पूछते थे, किंग ओडिन को कोई पूछता ही नहीं था क्योंकि बहुत गंदा आदमी था। तो एक दिन उन्हें अपने पेड एसेशन जो विजार्ड था उससे कहा कि जा तू इसका ब्लैक मैजिक से नष्ट, मतलब इसका शक्ल ख़राब कर दे। तो अब वो ख़राब हो जाती तो फिर कैसे लोग देखते उसे, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर क्या हुआ, वो गया विजार्ड छुप छुप के, और उनने ब्लैक मैजिक का पोषण मार दिया उस पर, और एकदम से कुछ होने लग गया क्वीन जैस्मिन को। और पता नहीं उनको क्या हुआ, एकदम से उसकी बॉडी बदल गई, ग्रीन कलर की हो गई। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही उन्हें एक राजा आया था, उनने उसे पॉपी का फ्लावर पकड़ाया था, और वो विजार्ड उसे भी मार गया, राजा को भी। तो जब से उन्हें पॉपी का फूल बहुत अच्छा लगता था और वो राजा को पसंद करती थी, लेकिन अब तो वो मर चुका था। तो बल्ला लेना चाहती थी विजार्ड से, लेकिन अब वो कैसे लेती, उसकी सारी पावर्स भी हट गई थी, और अब वो क्या ही करती, पावर हट गई, सारी चीज़ें ही हो गई उसकी हट गई, शक्ल भी गंदी हो गई, ब्लैक मैजिक से हुआ था ये सब। तो वो बहुत दुखी रहने लग गई। फिर उन्होंने अपना एक जंगल में घर बना लिया और उधर ही रहने लग गई, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी उसकी शक्ल देखता तो उसे भगा देता, क्योंकि अब ऐसी शक्ल तो थी ही नहीं, सब सोते किधर चली गई किधर चली गई, क्योंकि इतनी अच्छी रानी थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उनने देखा कि विजार्ड जा रहा है कहीं, और एक बुक लेके जा रहा है वो, और उस पर देखा तो उनने, वो तो उसकी क्योर वाली बुक थी। तो उनने उसका पीछा किया और लेने की कोशिश की, लेकिन विजार्ड ने उसे फिर मार दिया, मतलब पूरा नहीं मारा लेकिन मार के, और वो भाग गया। और फिर से उन्हें अपने एक आइलैंड पे वो बुक छुपा दी और फिर दी ही नहीं। तो यही थी स्टोरी, बताना कैसी लगी स्टोरी। आपने बोला था कि आपने आपसे बनानी है तो मैंने बनाई, बताना कैसी लगी स्टोरी। और वीडियो पसंद आई शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय। बताना प्लीज़ कैसी लगी स्टोरी, कमेंट कर देना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, वैसे तो मैं ही आपकी वीडियो देख लूँगा। तब तक के लिए बाय।